दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम अनहेन सिंह, आप लोग देख रहे हैं आपके अपने बाबा फिजियोथेरेपी चैनल को। आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि फोर आर्म एक्सरे कैसे देखते हैं और फ्रैक्चर का पता कैसे लगाते हैं कि इसमें कौन सा फ्रैक्चर है। एक एक्सरे लेकर मुझे आज आपको दिखाऊंगा जो कि फोर आर्म यानी कि यहाँ का है, और आपको दो फ्रैक्चर हैं उसमें, और दोनों फ्रैक्चर मतलब क्या नाम होता है उनका, तो कैसे कैसे पता लगाते हैं। चाहे आप मेडिकल जानकारी के लिए आप देखना चाहते हो, आप जनरल बेसिक मतलब नॉलेज के लिए देखना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से आपके नॉलेज हो सकता है कहीं ना कहीं छूट जाए और आप गलत नॉलेज आप ले लें। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाली है और आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना किए आपको बोर लेके चलते हैं वीडियो की ओर। ये है फोर आर्म का एक्सरे जो कि एक मेल यानी एक लड़के का है, जिसकी उम्र 12 साल है और ये जल्द का ही एक्सरा है। कल ही इसमें फ्रैक्चर हुआ है और इसका जो है हाथ में जो इसके फ्रैक्चर दोनों हुए हैं, रेडियस और अल्ना के। ये फोर आर्म एक्सरे है और हाथ काफ़ी सूज गया है। तो जब फ्रैक्चर होता है तो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी दूर से ही दिख रहा होगा कि बीच में जो है ये इसके जो है सेफ्ट हैं दोनों के टूट गए हैं, और देख सकते हो हल्का सा जो है तिरछा तिरछा सा निशान है। इसको फ्रैक्चर को नाम देते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर। हल्का सा अगर तिरछा फ्रैक्चर होता तो ऑब्लिक, तो इसके 6-7 टाइप होते हैं फ्रैक्चर्स के कम से कम। तो आप देख सकते हो इसमें से जो ऑब्लिक फ्रैक्चर है तो दोनों का फ्रैक्चर हुआ है, और ये कंडीशन जो है ऑपरेट की भी है, प्लास्टर से भी काम चल सकता है, लेकिन इसमें जो है हड्डी जुड़ने का सही गलत का वो रहता है, ठीक है। तो इसको जो है हड्डी के डॉक्टर ही जो सही राय दे सकते हैं ऐसे केस में। ऐसे एक्सरे को देखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सफ़ेद सफ़ेद जो लाइट पड़ रही है ये हड्डी होती है, और बाकी जो काला काला से एरिया आता है वो हवा होती है यानी खाली जगह होती है, और वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। ये सफ़ेद सफ़ेद सी हड्डी दिखती है, ये है रेडियस, ये है अल्नर बोन, ठीक है। ऊपर अल्नर बोन जो ह्यूमरस में अटैच होती है, ह्यूमरस के एंड में, और जो है यहाँ पर अल्ना और रेडियो रेडियस बोन जो है अल्ना और रेडियस और जो ह्यूमरस बोन तीनों मिलकर जो है रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनाती हैं, ठीक है। तो और इसके नीचे जो आ जाते हैं हल्का सा, तो यहाँ आप देख सकते हो, और नीचे आते हैं तो इसकी जो कलाई हो जाती है या रिस्ट बोन होती हैं, ठीक है। तो ये जो बीच में होता है ये रेडियस बोन इधर उधर घूमती रहती है अल्ना के साइड में चारों तरफ, तो ये फ्रैक्चर हो गया। इसी टाइप के जो मैंने ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं, आई बटन पर आ रहे हैं। अगर आपको भी किसी तरह की समस्या है या आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड स्क्रीन कार्ड पे वीडियो आ रहा है, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना रखिए ख्याल, चैनल को सब्सक्राइब।